जय सिया राम। आप भी हनुमान मूवी को देखने के बाद यही अल्फाज बोलोगे, क्योंकि भगवान श्री हनुमान के अवतार में जो तेजा सजा ने सृष्टि को एक और मूवी दी है जिसका नाम है हनुमान, उसको देखने के बाद आप भी बोलोगे कि भगवान श्री राम से पहले हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए हैं। और इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी और VFX का जो कमाल है वो आपको गूज बम्प्स दिला देता है। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज भी इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं। उसी के साथ महेश बाबू ने भी इस मूवी को देखकर यही बोला है कि जय सिया राम और हनुमान मूवी को हम भी पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कम बजट के अंदर अगर कोई अच्छा कमाल करने का पावर कोई रखता है डायरेक्टर, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रशांत वर्मा, जिसने सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ की बजट में एक ऐसा मास्टरपीस बना के बॉलीवुड और साउथ की धज्जियां उड़ाई है। और हनुमान जी के अवतार में जो एक्शन और बहुत बड़ा सुपर हीरो बनाया है, उसको देखने के बाद आप भी बोलोगे जय सिया राम। हनुमान जयंती अगर होती तो ये मूवी और ज्यादा बड़ा कमाल करती, लेकिन 22 जनवरी को आने वाले हैं साक्षात श्री राम और अयोध्या नगरी के अंदर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की आयोजन होने वाली है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और उसी शुभ अवसर से पहले हनुमान जी के साक्षात अगर हमें दर्शन हो रहे हैं तो उस दर्शन का आपको भी लाभ उठाना चाहिए और आपको भी थिएटर के अंदर जाके भगवान हनुमान की इस मूवी को देखना चाहिए और भगवान हनुमान को अपना श्रद्धा अंजलि देना चाहिए, क्योंकि ये मूवी नहीं ये गूज बम्प्स हैं। और इसको देखने के बाद आप भी बोलोगे जय सिया राम। सच बताना, आपने हनुमान मूवी को देखा है या फिर नहीं देखा है, और आप तेजा सजा की एक्टिंग से आप कितना सहमत हो और आप इस मूवी को किस लिहाज से देखते हो और आप क्या सोचते हो कि इसका और आगे यूनिवर्स बनना चाहिए, और जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है, जो इसके अंदर कोरियोग्राफी की गई है, जो इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी की गई है, और जिस तरीके से BGM और VFX का कमाल हमें देखने को मिलता है, क्या आपका ओपिनियन है कि इस मूवी का यूनिवर्स और आगे जाकर कितना बड़ा मोड़ ले सकता है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना जरूर जरूर, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।